ज़रा देख लेते हैं क्या पढ़ा था। हम तीन क्लास अभी तक पढ़ चुके हैं नॉर्ड जेएस की, मतलब तीन एक्सरसाइजेस कर चुके हैं। सबसे पहले तो हमने क्या किया था कि एक कॉन्सोल डॉट लॉग लिख के उसको रन करके देखा था कि ये नॉर्ड जेएस पे चलेगा कैसे, सही है। फिर दूसरा हमने क्या किया था, एक हेलो वर्ल्ड सर्वर बना लिया था, जो वन डॉट हेलो वर्ल्ड सर्वर इस फोल्डर का हमने नाम रखा था, ठीक है। तो ये थी वो सर्वर की फाइल जो हमने अपनी मशीन में चला के देख लिया था। और आप सब लोग, जब ये सर्वर मेरी मशीन में रन हो रहा था, आप सब लोगों ने रिक्वेस्ट की तो आपने देखा वो यहाँ पे पहुँच रही थी और उसका रिस्पांस भी आपको मिल रहा था। फिर इसी सर्वर में थोड़ी सी चेंजेस करके हमने क्या किया था, ये सिर्फ ये वाली लाइन को चेंज किया था हमने, तो फिर इसको क्लाउड पर भेज दिया था हमने। साइक्लिक क्लाउड जो हमने देखा था कि वो सबसे सही है फिलहाल एज अ स्टूडेंट आपके लिए, ठीक है। तो वंस आपके पास जब पेड क्लाइंट होगा, वो पैसे देने को तैयार होगा, ठीक है, फिर तो सभी बेस्ट है। जब वंस पैसे आप देते हैं, पे करते हैं, तो फिर सभी बेस्ट है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो साइक्लिक हो, चाहे वो गूगल ऐप इंजन हो, चाहे वो हरिको हो, ठीक है। फ्री वाला जो है वो थोड़ा मतलब गुजारे में है सब लोगों की सर्विस, तो हमने देखा था उसमें से साइक्लिक थोड़ा सा बेटर है बाकियों से, उसी पर हमने डिप्लॉय करना भी सीख लिया था इसको। अच्छा, आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम एक रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाएंगे और उस एप्लीकेशन से इस सर्वर को कैसे कॉल करना है वो हम देखेंगे आज। जी, फायरबेस के ऊपर डिप्लॉय, एक्सप्रेस का सर्वर डिप्लॉय करने का उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब फायरबेस में से क्यों आपको इंटरेस्ट हुआ? अच्छा, ये दो दोस्तों ने सवाल पूछा है, ये ऑलमोस्ट सेम सवाल पूछा है। इन्होंने ये पूछा है कि क्या अगर मुझे सर्वर को होस्ट करना है तो क्या उसकी कोई अलग किस्म की होस्टिंग होती है? जैसे हम फायरबेस के ऊपर अपना रिएक्ट की ऐप को होस्ट करते थे, क्या वैसे हम एक्सप्रेस की एप्लीकेशन को भी फायरबेस पे होस्ट नहीं कर सकते? इसका जवाब है नहीं, सही है। अच्छा देखो, असूलन तो ये होता था ना, शुरू जब हुआ सर्वर का, जब ज़माना शुरू हुआ, तो उसमें ये होता था कि आपको एक लिनक्स की मशीन दी जाती थी। लिनक्स की एक मशीन होती थी, वो आप अपने घर पे लगा लें, ऑफिस में लगा लें, फिर बाद में वो क्लाउड वगैरह पे लोगों ने लगा के उसको फिर टेनेंट पे देना शुरू कर दिया। तो गूगल क्लाउड में ना असल जो सर्वर है वो तो ये होता है कि लिनक्स की एक मशीन होती है, वो आपके ऑफिस में भी हो सकती है या वो गूगल वालों के ऑफिस में होगी, आपको उसका ओवर द इंटरनेट आपको एक्सेस होता है, ठीक है। और उस लिनक्स की मशीन पे आप अपने ऐप को रन करते हैं और आप उसके अंदर वो गेटवे का हिसाब किताब होता है, कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो करते हैं और उस मशीन को पब्लिक कर देते हैं, ठीक है। असूलन तो शुरू में ये होता था, लेकिन उस वाली अप्रोच में बहुत सारे मसले थे। उस वाली अप्रोच में सबसे पहला मसला ये था कि उसमें आपको ऑपरेशंस के लिए बाकायदा एक बंदा रखना पड़ता था। डेवलपर अलग होता था, ऑपरेशन वाला बंदा अलग होता था। अब आप उसको नॉट जेएस की ऐप लिख के ना उसको देते थे, भाई आप जाहिर है लिनक्स के एक्सपर्ट तो नहीं है, आप तो जावास्क्रिप्ट के एक्सपर्ट हैं, तो उसको देते थे आप, वो आपका पैकेज लेता था, फिर वहाँ ले जा के उसको npm इंस्टॉल अपने हाथ से चलाता था, चला के और उसका वो गेटवे की कॉन्फ़िगरेशन करता था, उसमें डोमेन कनेक्ट करता था, वो पूरा बकायदा एक लंबा चक्कर था, फिर सिक्योरिटी की कॉन्फ़िगरेशंस करता था कि किसको किस चीज़ किस फोल्डर का एक्सेस होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो बाद में फिर ये क्या हुआ कि भाई डिफरेंट कंपनीज़ ने ना बोला कि हम इस चीज़ को अब कर रहे हैं ऑटोमेट। उन्होंने बोला कि भाई हम आपको होस्टिंग दे रहे हैं नॉर्ड जेएस की होस्टिंग, सही है, हम आपको होस्टिंग दे रहे हैं नॉर्ड जेएस की। तो नॉर्ड जेएस की जब होस्टिंग होती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम जो फोल्डर भेजते हैं उसकी उसका एक सर्टेन उसकी ना रूल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने ये एक्सप्रेस की एप्लीकेशन जो बनाई है, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, अब इस एक्सप्रेस की एप्लीकेशन में एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल है। अगर ये पैकेज डॉट जेसन की फाइल इसमें नहीं होगी ना, और मैं इसको भेजूंगा साइक्लिक पे, साइक्लिक बोलेगा मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये क्या है, सही है। तो ये पैकेज डॉट जेसन की फाइल अब इसमें होना ज़रूरी है, क्योंकि वो पीछे ऑटोमेट हो गया वो वाला चक्कर। उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी है, उन्होंने बोला जब भी कोई जिप फाइल की सूरत में हमारे पास से ये जा रहा होता है एक्चुअली, ठीक है, या गिटहब से अगर पुल करता है तो वहाँ से भी जिप फाइल की सूरत में पुल करता है। तो वो अच्छा, फिर उसमें ये स्टार्ट की स्क्रिप्ट भी होनी चाहिए, क्योंकि उधर वो क्या चला रहा है, npm install npm start।
अगर ये स्टार्ट की स्क्रिप्ट आपने यहाँ पर नहीं रखी, ये साइक्लिक जाके साइक्लिक को समझ ही नहीं आएगा ये क्या हो रहा है, समझ रहे हो? तो उन्होंने एक्चुअली वो ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट लिखी हुई है लिनक्स की मशीन वो भी। अच्छा, जब आप फायरबेस पे होस्टिंग करते हैं, जब वेबसाइट होस्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी लिनक्स की मशीन है, लेकिन वो क्या मांग रहा है आपसे? वो बोलता है भाई index.html नाम की एक फाइल होनी चाहिए, मैं जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी मैं उठा के वो फाइल दे दूंगा, दैट्स इट, उसके आगे मेरा कोई काम नहीं है, ठीक है? एंड दैट इज कॉल्ड स्टेटिक होस्टिंग, एक स्टेटिक होस्टिंग है। इसी तरीके से अगर आपने सर्वर पाइथन में लिखा है, तो जो पाइथन की होस्टिंग दे रहे हैं ना, वहाँ पे होस्ट होगा वो। फिर अगर आपने सर्वर लिखा है रूबी ऑन रेल्स पे, तो रूबी ऑन रेल्स की जो आपको दे रहे हैं ना, रूबी की होस्टिंग, वहाँ पे होगा ये। लकीली ऐसा है कि जैसे हरिको है या साइक्लिक है, ये लोग क्या करते हैं, पाइथन की भी देते हैं, रूबी की भी देते हैं, नॉट जेएस की भी देते हैं, ठीक है, स्टेटिक नहीं देते। लेकिन मिसाल के तौर पर जिस तरह फायरबेस पे अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं, अगर आप उस तरह चाहे मैं साइक्लिक पे HTML का एक ही पेज है आपके पास, और आप चाहे आप साइक्लिक पे होस्ट करते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपके पास इस दौर में अब आपके पास दो ऑप्शन आ चुके हैं। नंबर एक कि आप लिनक्स की मशीन लें, सारी कॉन्फ़िगरेशन खुद करें, ऑपरेशंस का एक बंदा हो आपके पास, अदरवाइज आप ऑटोमेटेड कोई होस्टिंग ले लें जो सिर्फ Node.js की होस्टिंग है। ये दो ऑप्शन आ गए। एक तीसरा ऑप्शन भी आ गया, दैट इज कॉल्ड डॉकर। आप डॉकर फाइल बना के भेजते हैं साथ में, क्योंकि अब देखो साइक्लिक वालों ने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है ना, आपको कंट्रोल नहीं है उस स्क्रिप्ट के ऊपर, राइट? लास्ट आपने देखा था कि ये स्टार्ट की स्क्रिप्ट में मैंने जस्ट एक क्लियर ऐड किया था तो वो पागल हो गया था। अब उधर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। वैसे तो मोस्ट प्रॉबली लिनक्स की मशीन होगी साइक्लिक वालों के पास, लेकिन साइक्लिक वालों के पास विंडोज़ की भी मशीन हो सकती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, वो कोई प्रॉमिस भी नहीं कर रहे। तो डॉकर फाइल में क्या होता है कि वो जो ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट इस वक्त साइक्लिक वालों ने खुद लिखी हुई है या गूगल ऐप इंजन वालों ने खुद लिखी हुई है, वो हम लिख के देते हैं यहाँ से। ये बिल्कुल लेटेस्ट तरीका है, वो हम कवर नहीं कर रहे अनफॉर्चुनेटली, हमारे पास ना वो सिलेबस का पार्ट है और ना हमारे पास इनफ टाइम है उसको कवर करने के लिए, ठीक है? लेकिन वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो छोटे से आप 10-15 मिनट की मेरी वीडियोज़ ही डली हुई हैं यूट्यूब पर डॉकर की, वो आप देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। तो अब ये जो नई वाली अप्रोच है, दैट इज़ कॉल्ड DevOps, कि आप डिवेलपर होते हैं, आप सारा का सारा कोड लिखते हैं, साथ में आप ऑपरेशन के बंदे का जो काम है ना, स्क्रिप्ट है जो, वो डॉकर फाइल की स्क्रिप्ट भी आप ही लिखते हैं। डॉकर फाइल के शुरू में आप बताते हैं कि भाई मशीन कौन सी बनानी है, यूबुंटू की बनानी है या अल्पाइन लिनक्स की बनानी है, कौन से लिनक्स की बनानी है, वो शुरू में बता देते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आप बोलते हैं कि इसमें फला फला चीज़ इंस्टॉल करो। अब जाहिर है उस मशीन में Node.js का इंस्टॉल होना ज़रूरी है ना, जभी तो आपकी ऐप चलेगी। ये अगर आपका सर्वर पाइथन पे, तो पाइथन इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो आप लिनक्स की कमांड्स लिखते हैं कि Node.js इंस्टॉल करो, फिर ये इंस्टॉल करो, फिर ये इंस्टॉल करो, आपको जिस जिस चीज़ की जरूरत सब इंस्टॉल करते हैं। फिर आप कहते हैं कि मेरा जो फोल्डर है ना, जो मैंने कोड लिखा है Node.js का, उस फोल्डर को उस मशीन के फला फोल्डर में कॉपी कर दो। फिर उसको सूडो करके रन करना है, बगैर सूडो करके रन करना है, क्या करना है, वो सब बताते हैं। फिर आप जो पोर्ट उस मशीन की, जिस पोर्ट पे आपका चल रहा होगा, जाहिर है वो मशीन क्योंकि पूरी आपकी होती है, तो उसमें आपको पोर्ट भी पता होता है कि अच्छा ये पोर्ट अवेलेबल है, ठीक है? फिर आप उस पोर्ट को मैप करवाते हैं, और फिर नीचे एक दो और स्टेप्स होते हैं। अब मैं आपको बल्कि लगे हाथों डॉकर फाइल की जो है ना, डॉकर फाइल की एक एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ आपको, कि डॉकर फाइल देखने में किस तरह की होती है, ठीक है? ये ट्यूटोरियल पॉइंट एक मैंने लिखा है तो फौरन आ गया सामने, ठीक है? कुछ इस तरह की होती है डॉकर फाइल, देख रहे हैं? शुरू में लिखा हुआ है फ्रॉम यूबुंटू, और ये तो इसने अपना नाम ऐसे डाला हुआ है मेंटेनर, इसने बोला कमांड रन करो apt get अपडेट, सही है? उसके बाद इसने बोला apt get इंस्टॉल एंजिनिक्स। एंजिनिक्स जो है वो सर्वर को रन करने की यूटिलिटी होती है, ठीक है? वो हम अगर कवर नहीं कर रहे हो, लिनक्स वालों ये पढ़ते हैं, लिनक्स वालों का काम है ये, ठीक है? तो इस तरह से आप इसके अंदर ना कोड लिख रहे होते हैं। मेरे GitHub की रिपोजिटरी में भी अगर कोई डॉकर फाइल अगर हुई ना, तो मैं अगर अपने GitHub में देखता हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली मेरे पास डॉकर कुछ ना कुछ होगा। क्या है लाइट यार, एक तो जलनी पड़ेगी ना, इस तरफ देख लो अगर तुम्हें यहाँ से ही समझ नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डॉकर लिख के। हाँ, ये देखें ना, डॉकराइज Node.js ऐप, ये मैंने एग्जांपल बनाई थी 2017 में, जब शुरू डॉकर देखा था मैंने, तो मैंने कहा चलो हाँ, तो लगे हाँ, तो ये बना लो इसको, ठीक है? अब आप इस अगर फोल्डर पर आप गौर से देखें, तो आपके पास क्या है, यहाँ पे एक index.js की फाइल है।
अब index.js की जो फाइल है वो पूरी प्रॉपर एक्सप्रेस की फाइल है, ठीक है, यही अभी हम जो एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं वो यही है, ठीक है। लेकिन साथ में हमारे पास एक क्या चीज़ है, यहाँ पे एक डॉकर फाइल है ये भी। इस फाइल को अगर ओपन करूँगा अगर मैं, तो इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा फ्रॉम नॉर्ड कॉलन कार्बन अल्पाइन। एक नॉर्ड जेएस वालों ने खुद एक अपनी लिनक्स की एक डिस्ट्रीब्यूशन बना के डाली हुई थी, दैट वाज कार्बन। अच्छा, कार्बन जो है वो नॉर्ड जेएस का जो वर्जन 16 है उसका कोड नेम है। तो मैंने यूबुंटू से इसको नहीं चलाया, यूबुंटू से करता तो मुझे नॉर्ड जेएस इंस्टॉल करना पड़ता, इस लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन से चलाऊंगा, इसमें पहले से इंस्टॉल है नॉर्ड जेएस, ठीक है। ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि कल को कोई डॉकर का जिक्र करे तो आपको ये ना लगे कि पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस है। फिर मैंने बोला भाई वर्किंग डायरेक्टरी ना मेरी होगी यूज़र ऐप और SRC, इसमें होगा, ठीक है। फिर मैंने बोला भाई पैकेज डॉट जेसन को उधर कॉपी करो, उसके बाद npm इंस्टॉल चलाओ। देख रहे हो, ये पूरे जो ऑपरेशन के बंदे के करने का जो काम था ना वो मैंने लिख के दिया अभी यहाँ पे। फिर मैंने बोला भाई एनवायरमेंट वेरिएबल में ना, क्योंकि हमारी जो Node.js की ऐप है वो पोर्ट कहाँ से उठाती है, एनवायरमेंट वेरिएबल से। मैंने कहा एनवायरमेंट वेरिएबल में की रखो पोर्ट, उसकी वैल्यू दे दो 3200 और इस पोर्ट को एक्सपोज कर दो। एक्सपोज का मतलब है पब्लिक के लिए खोल दो इसको। बाय डिफॉल्ट तो पोर्ट्स बंद होती हैं सारी ताकि कोई अटैकर आपके अटैक ना कर दे, ठीक है। फिर मैंने बोला मेरा तमाम का तमाम प्रोजेक्ट क्या करो, इस फोल्डर से उठा के इसी फोल्डर में कॉपी कर दो, ठीक है। फिर मैंने बोला एक यूज़र बनाओ। जाहिर है जब कंप्यूटर ऑन होता है तो भाई एक यूज़र होना चाहिए ना जो एंटर करेगा, पासवर्ड एंटर करेगा तो लॉगिन हो जाएगा। मैंने कहा एक यूज़र बनाओ जिसका नाम रखो माई यूज़र और उसको लॉगिन करवा दो, ठीक है। और सबसे लास्ट में मैंने कहा ये सब जब हो जाए ना आप npm start को चला दो। ये z मेरे ख्याल गलती से आ गया, ये z में टाइपो है, ये नहीं होगा। मैंने कहा cmd पे क्या करो, ये कमांड चला दो npm start, ठीक है। मतलब रन की कमांड ऐसे भी चला सकता हूँ मैं, ऐसे भी चला सकता हूँ। मैंने अलग अलग तरीक़ों से इसलिए रखा है क्योंकि मैंने लर्निंग के लिए किया ये, ठीक है। ये जो ऐसे करके भी रन कर सकता हूँ, ऐसे करके भी रन कर सकता हूँ, ठीक है। यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, जब भी मैंने कॉमेंट भी किया यहाँ, ठीक है। तो इस तरह की ये डॉकर फाइल आप साथ में लिख के देते हैं, तो ये बिल्कुल जो लेटेस्ट तरीका है ना वो ये वाला है। अच्छा, डॉकर हर कोई यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। हर किसी को इस स्क्रिप्ट को कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। भाई मुझे सिंपल प्लेन सर्वर चलाना है तो मैं बिला वजह क्यों अपने ऊपर ये इतना बड़ा वो करूँ, ठीक है। लेकिन समटाइम जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो फिर लोग इस पर मूव करते हैं, ठीक है। वंस आप ये डॉकर फाइल जब आप बन जाता है ना, तो साइक्लिक भी डॉकर को शायद अभी तक सपोर्ट नहीं करता। हरिको करता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर आप कहाँ पे करते हैं, फिर आप गूगल की एक सर्विस है Kubernetes, आप वहाँ पर डिप्लॉय करते हैं, सही है। अगर आपको सिंपल एक्सप्रेस की ऐप अगर डिप्लॉय करनी है तो गूगल ऐप इंजन है, दैट इज़ अनदर सर्विस। अगर आपके बहुत ही स्पेसिफिक डॉकर फाइल आप आ गए तो फिर Kubernetes पे होगा डिप्लॉय। अच्छा, अगर वो बिल्कुल पुराना वाला ऑप्शन चाहिए आपको कि आपको एक लिनक्स की मशीन मिल जाए, आपके पास एक बंदा हो वो लिखे स्क्रिप्ट उस मशीन में लिखे डायरेक्ट, आपसे जिप फाइल लेके उधर चलाए, तो उसके लिए गूगल की एक सर्विस है जिसमें आपको अभी मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, गूगल कंप्यूट इंजन, ठीक है। गूगल कंप्यूट इंजन जो है उसकी सर्विस है। गूगल कंप्यूट इंजन में क्या होता है, आप जाते हैं कंप्यूट इंजन पर, अभी वो आपको मैं बल्कि गूगल कंप्यूट उसका एटलीस्ट आपको मैं लोगो दिखा दूँगा, तो लोगो कैसा होता है, कुछ इस तरह का लोगो होता है इसका, ठीक है। गूगल ऐप इंजन भी दिखा देता हूँ। गूगल ऐप इंजन जो है वो क्या है, साइक्लिक की तरह की चीज़ है। आप उसमें Node.js बना के भेजते हैं, ठीक है। उसका जो लोगो है वो कुछ इस तरह का, गूगल ऐप इंजन, ठीक है। और Kubernetes जो है वो, उसका भी लोगो दिखा देता हूँ वो कैसा है, सही है, कुछ इस तरह का उसका लोगो है गूगल Kubernetes का। ये जो Kubernetes है ना, जैसे गिट है ना, गिट और गिटहब का लोगो अलग अलग है, तो ये Kubernetes है और ये Kubernetes इंजन है, सही है। Kubernetes टेक्नोलॉजी का नाम है। Kubernetes इंजन जो है वो गूगल की एक सर्विस है, वहाँ पे आप जाके डॉकर फाइल वाली चीज़ ही होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रीफली मैंने थोड़ा सा आपको ये बात बताने की कोशिश की है कि होस्टिंग Node.js का सर्वर जब आप होस्ट करते हैं तो आपके पास क्या डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, क्या डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, क्या, लेकिन ये बात डिसाइड करना आपका काम है,
कि कौन से वाले बेस, इस जो तीन ऑप्शन मैंने अभी जिक्र किए हैं, अच्छा मैंने तीन जिक्र किए हैं, तीन चार और भी हैं, वो अभी रेलिवेंट नहीं है, बहुत लंबी हो जाएगी बात। तो क्या आपका काम है ये डिसाइड करना कि इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा वाला चूज़ करेंगे? क्या ख्याल है आपका? ये आमतौर पर सॉफ्टवेयर हाउसेज में एक आर्किटेक्चर का बंदा होता है, उसको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट कहते हैं। उसका काम होता है ये डिसाइड करना कि कौन सा डेटाबेस यूज़ होगा, या CTO भी समटाइम कहते हैं, कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। एक CTO होता है, उसके नीचे आर्किटेक्ट होता है, उसके नीचे प्रिंसिपल डेवलपर होता है। तो ये टॉप के लोग होते हैं, इनका काम होता है कि यार कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, किधर डिप्लॉय होगा, कैसे फ्लो चलेगा, ये वो लोग करते हैं। अच्छा, आप इस वक्त जो बनने जा रहे हो, आप जूनियर डेवलपर की पोस्ट के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। तो जूनियर डेवलपर जो होता है ना, उसका काम, उसको बनी हुई एप्लीकेशन मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और उसको टिकट्स मिलते हैं कि यार ये चीज़ रिजॉल्व करनी है, ये चीज़ इसमें मसला है, ये फीचर ऐड करना है, वो टिकट्स बने हुए मिलते हैं। फिर जब आप सीनियर डेवलपर बनते हैं ना, तो भी मोर और लेस यही काम करते, क्योंकि एप्लीकेशन जो मतलब बेस से जो खड़ी होती है वो तो एक दफ़ा होती है, फिर अगले 6-8 महीने साल उस पर काम चलता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो मेंटेनेंस शुरू हो जाती है उसकी, और वो इनफाइनाइट होती है, जब तक वो प्रोडक्ट रहेगी जब तक मेंटेनेंस चलेगी उसकी, ठीक है। तो फ्रॉम स्क्रैच जो प्रोजेक्ट खड़ा करते हो ना, कि भाई NPX क्रिएट रिएक्ट ऐप, वो आप नहीं करते, वो करता है आर्किटेक्ट या CTO या प्रिंसिपल डेवलपर। आपको वो बनी हुई ऐप मिलती है, उसमें कंपोनेंट्स का फोल्डर कैसे सेट होगा, उसमें कॉन्टेक्स्ट API अगर लगनी है या रिडक्स लगना है, वो पहले से सब लगा हुआ आपको मिलता है, ठीक है। फ्रॉम स्क्रैच आप कुछ भी नहीं करते, ये जॉब की बात हो गई। फ्रीलांसिंग में ऑन अदर हैंड, जाहिर है क्योंकि आप ही सब कुछ होते हैं, तो ये काम आपको डिसाइड करना होता है फ्रीलांसिंग में। और ये सारा जो प्रिंसिपल डेवलपर, आर्किटेक्ट और ये सब के, मतलब आर्किटेक्ट का जो काम होता है वो ये होता है कि वो दूर तक देखे कि मैं एक कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैं एक आगा खान हॉस्पिटल के लिए वो सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो इन फ्यूचर अगले 5 सालों में अगर ये सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल रहता है तो उस पर कितनी ट्रैफिक आएगी, कितना ज़्यादा इस पर लोड आएगा। तो वो उसी हिसाब से डेटाबेस उसने सेलेक्ट करना है, कि ऐसा ना हो कि कल को लोड आए तो मेरा सॉफ्टवेयर ही बैठ जाए। उसकी स्केलेबिलिटी का ख्याल रखना है, ठीक है, उसके यूज़र एक्सपीरियंस का ख्याल रखना है, कि भाई अगर मिसाल के तौर पे वो सॉफ्टवेयर जो है वो आउटडोर में इस्तेमाल होने वाला है, अगर धूप में लोग खड़े होकर उसको यूज़ करेंगे अगर एक सॉफ्टवेयर को, तो उसमें कलर्स कौन से होने चाहिए, उसमें कौन सी डिवाइस इस्तेमाल होगी, कौन सी डिवाइस में कौन सा कलर कैसा दिखता है, बहुत लंबी कहानी है। तो वो सारी चीज़ें ये डिसाइड कर रहे होते हैं ये अपर मैनेजमेंट के लोग जो आर्किटेक्ट होते हैं, ठीक है। डिज़ाइनर को भी साथ में शामिल करते हैं। अब जाहिर है उसमें कलर्स ऐसे रखने होंगे जो धूप में दिखे, नज़र आए, ठीक है। तो आप समटाइम सोचते होंगे कि यार ये इतनी बड़ी एप्लीकेशन है, इसमें कोई कलर क्यों नहीं है। अब गिटहब में आप देखें, कोई कलर ही नहीं है इसमें, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। ये आर्किटेक्ट लोग डिसाइड कर लेते हैं, और आपको वो इतना नहीं बताते ये चीज़ें आपको, बस वो अब नए फीचर जो ऐड होंगे वो ज़ाहिर है जो एक बार रूल सेट हो गए उसी पे होंगे, ठीक है। वंस वो महीना 1.5 महीना काम चलता है, फिर एक दिन डिज़ाइनर आता है, बैठता है, उसको देख लेता है कि अच्छा यार जैसा मैंने सोचा था बच्चे वैसा ही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अगर कुछ आगे पीछे होता है वो सजेशन देता है, और इस तरह वो काम चलता रहता है, ठीक है। लेकिन फ्रीलांसिंग में क्या होता है, ये सारा काम आपको खुद करना होता है, आपको ये सारी समझ होनी चाहिए। अच्छा, ये समझ कैसे आएगी आपको? ये समझ आपको ऐसे आएगी कि जब आप हाथ से कोड लिखेंगे ना, तो ठोकर खाएंगे, थोड़ा गिरेंगे पड़ेंगे, खुद ही समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इन ये एक्सपीरियंस से गुजरना नहीं चाहते, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप जो हर फील्ड में लेजेंड्स होते हैं ना, उनको आप फॉलो करें, ठीक है। इस वक्त रिएक्ट का जो टॉप डिवेलपर है दुनिया का, वो कौन है? या रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जो अगर कोई एग्जाम्पल बना रहे हो, तो वो किस तरह बना रहे हैं, उसको आप फॉलो करें। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे, अब जैसे एंगुलर के ज़माने में एक जॉन पप्पा हुआ करते थे, वो डिज़ाइन की जो है ना सजेशंस देते थे कि यार इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए, ठीक है, तो उनको बड़ा लोग फॉलो करते थे। तो इस तरह आप किसी एक बड़े बंदे को फॉलो कर लें, ठीक है। तो अच्छा, मैंने ये 10 सालों में चीज़ सीखी है, ठीक है, कि भाई किसी को फॉलो करना चाहिए। अब जैसे रिएक्ट ने अभी डेव सीडिया जो आर्टिकल है, बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है उसने, तो किसी इस तरह के बंदे को देख लो कि हाँ यार इसको अच्छा काम आता है, लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, तो बस आप भी उसी तरह बनाओ। फिर अगर आपको जैसे समटाइम इशूज़ आते हैं, मैंने तो इस तरह सीखा है कि भाई अब मेरे पास डेटाबेस में कोई इशू आ गया, अब मैं जहाँ पे जाके जाहिर है गूगल करूँगा स्टैक ओवरफ्लो पे लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो पता चल जाएगा
मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट थी फायरबेस फंक्शन, वो मैं बड़ा यूज़ करता था और बहुत अच्छा प्रोडक्ट था वो, मैं बहुत यूज़ करता था वो। लेकिन अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट में एक प्रॉब्लम थी, जो डिज़ाइन लेवल की प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उसमें कोल्ड स्टार्ट होता था। कोल्ड स्टार्ट होता था तो लोग बड़ा परेशान रहते हैं उससे कोल्ड स्टार्ट। अब तो खैर उन्होंने फ्री में बंद ही कर दिया, अब उन्होंने बोला पेड होगा सर। तो पहले शुरू में थोड़ा सा फ्री ट्रेल हुआ करता था उसका। तो अगर आपको कोई बात समझ आ गई है तो आप भी कम्युनिटी में शेयर करें। तो मैंने स्टैक ओवरफ्लो पे उसका बड़ा वो मजमून लिख के एक जवाब दिया था जो मेरी समझ में आया था, क्योंकि मैं 2-3 साल उसको कंटिन्यूसली यूज़ करता रहा हूँ। तो मुझे समझ में आया था कि अच्छा ये क्यों होता है, किस वजह से होता है। जो मैंने ट्रिक निकाली थी उसको मतलब फिक्स करने की, वो मैंने शेयर किया लोगों से। तो इस तरह आप भी शेयर करें, लोग जो शेयर कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस उनको पढ़ते हैं आप, तो आपको ये समझ आती है। ठीक है, अच्छा। और मज़े की बात, जो मज़मून मैंने लिखा था वो मज़मून पढ़ के बहुत सारे लोग फिर कॉन्टैक्ट भी करते थे, मेरे पास बहुत सारा काम भी आया उस जवाब की वजह से। तो आपको अगर मतलब आप सोचते होंगे ना कि ये कौन लोग हैं जो फारिग हैं जो स्टैक ओवरफ्लो पे जवाब दे रहे होते हैं, तो उनको बड़ा फ़ायदा होता है स्टैक ओवरफ्लो पे ना, जो लोगों ने क्वेश्चंस पूछे ना, आप कोशिश किया करें कि उसका आप जवाब दे पाएँ। अगर आप उसका जवाब दे पा रहे हैं ना, तो जो बंदा फंसा हुआ है ना उस मसले में, ज़ाहिर है कंपनी का अगर वो ऑनर है या वो कोई डेवलपर है, तो वो अपने फेलो डेवलपर से शेयर करेगा ना कि यार फला जगह पे स्टैक ओवरफ्लो पे ना किसी ने ये बड़ी अच्छी बात की हुई है। तो अगर उसने बोल दिया ना कि आपने बड़ी अच्छी बात की हुई है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऊपर कर दिया ना उसने, आपको ऊपर कर दिया ना उसने कि यार इस बंदे ने बड़ी अच्छी बात की है, मुझे भी नहीं पता थी। तो इसका मतलब है अगर उसका एक्सपीरियंस 5 साल का है तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट उससे ज़्यादा हो गया। समझ आ रही है बात? तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि अगर उनको वो आंसर पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आया ना कि क्या बकवास की है इसने, तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा, आपको कहेगा कि यार $100-200 ले लो मेरे से, ये मसला हमारा अभी आया हुआ है, इसको फिक्स कर दो अगर तुम कर सकते हो, तुमने वहाँ पे जवाब दिया था, हमें लगता है कि तुम्हें आती ये बात पता ही। ठीक है, तो आपको इस तरह काम भी मिलेगा, लोग आपसे कॉन्टैक्ट भी करेंगे अल्टीमेटली। तो अगर आप इन फ्यूचर फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं, तो ये फ्रीलांसिंग वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चीज़ है करने के अतबार से। तो आपको ना कम्युनिटी से कनेक्ट रहना पड़ेगा किसी ना किसी लेवल पे। अब मिसाल के तौर पे मैं जो यहाँ पे टीचिंग करता हूँ, तो ये उसी कम्युनिटी से कनेक्ट रहने का पार्ट है, समझ रहे हो ये बात? भाई मिसाल के तौर पे मैं रोज़ नई ऐप थोड़ी बना रहा हूँ रिएक्ट की, वो तो एक बार बन गई है, उस पर काम चल रहा है, हो रहा है। लेकिन मुझे कोई ऐसा तरीका चाहिए कि वो पूरा जो मेरा कोर्स है ना शुरू से आखिर तक, HTML से लेके पूरा आखिर डेटाबेस और सर्वर तक, वो सब रिवाइज होता है। तो टीचिंग मेरे लिए तो बेस्ट तरीका। आप लोग उल्टे पुल्टे सवाल पूछते हैं, समटाइम ऐसी बात पूछते हैं जो मुझे भी नहीं पता होती, मैं बोलता हूँ भाई मुझे नहीं पता, दोनों मिलके सर्च करते हैं, रिजल्ट निकल के आता है, मैं भी चीज़ें सीखता हूँ। तो जो नई नई चीज़ें जो अपडेट हो रही हैं वो मुझे कैसे आएंगी? कोई तरीका नहीं है। तो या तो मैं किसी कम्युनिटी में जाके बैठूँ, या तो अपनी कम्युनिटी बना लूँ। तो आप लोग मेरी कम्युनिटी हैं इस वक्त राइट नाउ। ठीक है, तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी है। जॉब में तो यार ये होता है कि 100 लोगों के बीच में आप बैठे हुए होते हैं, वहाँ तो जूनियर सीनियर वाला सीन होता है, और बाकायदा आप कहीं फंस गए तो सीनियर आपका अवेलेबल है। लेकिन फ्रीलांसिंग में अगर किसी का भी आने का प्लान है, तो कम्युनिटी से आपको कनेक्ट रहना पड़ता है। आपके पास 10-12-15 ऐसे लोगों का नंबर होना चाहिए कि आप कहीं पर स्टक हों तो आप उनको फ़ोन करें। ठीक है, आप उनको फ़ोन करें। जैसे अभी आप लोगों का जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, ये असल में उसी चीज़ की प्रैक्टिस है। ठीक है, समटाइम अगर मैं भी कहीं पर स्टक होऊंगा, तो हो सकता है उस ग्रुप में मैं भी सवाल पूछूं कि भाई मैं यहाँ पर स्टक हूँ, देखो भाई किसी को आता है। लेकिन मेरे सवाल पूछने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है, मैं वो सवाल स्टैक ओवरफ्लो पे लिखूंगा जाके, और उसका लिंक आपको शेयर करूंगा। समझ रहे हो? प्रॉपर तरीका जो है सवाल पूछने का। अब मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी ने पहले ही पूछे हुए होते हैं। ठीक है, नहीं किसी ने पूछा हुआ तो मैं खुश हो जाता हूँ कि मैं पूछूंगा वो सवाल। समझ रहे हो? तो सवाल पूछने का भी, अगर मेरे आप स्टैक ओवरफ्लो पे जाएं, मैं आप लोगों को शुरू दिन से कह रहा हूँ, कुछ तो बाद में लोग ज्वाइन किया है जिन लोगों ने, लेकिन शुरू से जो लोग हैं, तो उनको मैं शुरू से ये बात बताता रहा हूँ कि GitHub की प्रोफाइल मेंटेन करो, अच्छी प्रोफाइल मेंटेन करो। ठीक है, उसमें जो टास्क देता हूँ मैं, उसको अच्छे से प्रेजेंटेबल बना के होस्टिंग करके उसका लिंक लगा के अपने GitHub में लगाओ। उसके अलावा स्टैक ओवरफ्लो का प्रोफाइल मेंटेन करो, जो बात समझ में नहीं आती स्टैक ओवरफ्लो पे क्वेश्चन डाला करो, वहाँ पे जवाब देने की कोशिश किया करो। ठीक है, वो आपका एक प्रोफाइल मेंटेन होगा, और वो आपके अगले 5-10 सालों में बड़ा काम आएगा। और अगर स्टैक ओवरफ्लो जैसा कोई नया प्लेटफॉर्म आ जाता है तो भी मुझे भी बताओ,
सबसे बेस्ट अभी सबसे फेमस वही है, तो मुझे भी बताओ। तो ये स्टैक ओवरफ्लो और गिटहब, मैं अपनी बात बताऊँ ना, मेरे पास कोई नया क्लाइंट आता है ना और वो टेक्निकल क्लाइंट है, अगर मुझे पता चल गया अगर, तो मैं उसको अपना स्टैक ओवरफ्लो और अपना गिटहब भेजता हूँ ना जब, तो आगे से कोई दूसरी बात नहीं करता। वो आगे से ये नहीं बोलता कि मैं आपको टास्क दूंगा, मैं चेक करूंगा आपको क्या आता है, दूसरी बात नहीं करता हूँ, समझदार होते हैं। वो जब गिटहब खोलता है, दो चार रिपॉजिटरी एक्सप्लोर करता है, उसको समझ आ जाता है कि बंदा कितने पानी में। स्टैक ओवरफ्लो पे जाता है, वो देखता है पिछले 5 सालों में इसने क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, कौन से क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं, वो अगली बात नहीं करेगा फिर बॉस। फिर मैंने कुछ कोर्सेज वोर्सेज भी बनाए थे यूडेमी पे, तो खैर बहुत पुरानी बात हो गई। तो जो काम वो करने के लिए करवाने के लिए बंदा उसको चाहिए, मैं वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ, मैं वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ, तो बात ख़त्म हो गई ना सर। तो वो मैं कोर्स का अपने लिंक शेयर करता था यूडेमी के, उसके नीचे मैं कहता था जाके देख लो, रिव्यूज़ पढ़ लो। वो रिव्यूज़ पढ़ता था, जब लोग बताते थे हाँ यार वैल्यूएबल चीज़ है, मैंने इससे सीख के मैंने जॉब पकड़ ली, इस तरह के लोगों ने नीचे बातें की हैं, तो वो ख़त्म हो गई बात। तो आपको ना इतने ऊपर से आना है, ये समझ रहे हो, दुनिया में जीने का रूल यही है, दुनिया में जीने का रूल यही है कि आपको इतने ऊपर से आना है ना कि सामने वाले की हिम्मत नहीं हो फिर आपसे कोई बात करने की। मिसाल के तौर पे अभी पिछले दिनों की बात है, पिछले दिनों नहीं बल्कि पिछले साल की बात है, कि एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, कह रहा है यार आप सैलानी में पढ़ाते हैं ना, मुझे भी पढ़ाना है, मैं भी सैलानी में लगना चाहता हूँ। तो कह रहा है कि क्या प्रोसेस है, कैसे हायरिंग होती है, ये तुम लोगों से पहले भी शायद शेयर किया था मैंने। मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता। कह रहा यार आप कैसे लगे थे, मैंने कहा मुझे तो यहाँ पे एक मेरे दोस्त पढ़ाते थे, उन्होंने फ़ोन किया था कि यार वो यहाँ पे ना एक क्लास है, वो असल में कहीं जा रहे थे कुछ अरसे के लिए, तो उन्होंने कहा यार मेरी क्लास आप पढ़ा लें। तो मैंने कहा मैं तो इस तरह से आया था, मुझे तो नहीं पता यहाँ पे कैसे हायरिंग होती है। मैंने कहा आप आ जाए, इनसे जुनेब भाई थे उस वक्त, मैंने कहा उनसे बात बात कर लें क्या कह रहे हैं वो। इधर आया, इन्होंने फॉर्म दे दिया उसको इतना लंबा, इन्होंने कहा भाई इंटरव्यू होगा आपका, 3 इंटरव्यू होंगे, पता नहीं HR में भी होगा, मैं भी करूँगा, फिर टीचर्स का बोर्ड है वो भी इंटरव्यू करेगा, उसको इतनी बातें बता दी। फिर उसने बोला सारे डॉक्यूमेंट लेकर आओ, डिग्री विग्री ये वो। मैंने कहा मेरे पास तो डिग्री है ही नहीं मेरे पास डिग्री नहीं है, मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे पास तो डिग्री है ही नहीं, तो कह रहे वो तो ग्रेजुएशन से कम वालों को रखते ही नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो मतलब ऐसा लेवल हो आपका कि सॉफ्टवेयर हाउस में आप इंटरव्यू देने ना जा रहे हो, वैसे तो जाएंगे आप, जाहिर है आपको ज़रूरत है जॉब की तो आपको जाना है, लेकिन आइडियल केस ये होना चाहिए कि आप ऐसा आपका नाम हो ना मार्केट में कि मतलब मेरे ऊपर लाना चाहे कि अगर कोई बंदा चैट बॉट का नाम ले और मेरा नाम सामने ना, मेरी एक्सपर्टीज़ अभी राइट नाउ चैट बॉट है, वेब डेवलपमेंट से शुरू किया था लेकिन वेब डेवलपमेंट भी कर ही रहा हूँ, लेकिन अभी मेरी एक्सपर्टीज़ चैट बॉट है। तो कोई अगर गूगल पे जाके चैट बॉट लिखे और कहीं ना कहीं मेरा नाम ना आ रहा हो, या कहीं चैट बॉट की डिस्कशन हो रही हो वहाँ पे मेरा नाम ना आ रहा हो, तो बेकार है। ऐसा लेवल होना चाहिए कि भाई चैट बॉट का नाम बंदा ले तो बंदा बोले यार इंतजाम ख़त्म बात। इससे कम लेवल है तो फिर आप फिर मजबूरी की ज़िंदगी जिएंगे, फिर आप फिर रिक्वेस्टें करते रहेंगे, कंप्लेनें करते रहेंगे लोगों से। तो आपको ना बहुत ऊपर से आना है, और बहुत ऊपर से आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना कि आगे से सामने वाले की हिम्मत ना हो कुछ बात करने की। आप बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग गुजरे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मैं बहुत यूनिक बात कर रहा हूँ। भाई मिर्ज़ा गालिब जो थे उनके पास क्या कोई डिग्री थी, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। एक उस्ताद थे उनके, अल्ताफ़ हुसैन गालबन नाम था उनका, अल्ताफ़ हुसैन हाली, तो वो उनके उस्ताद थे, उनसे उन्होंने वो 2-4 किताबें पढ़ी थी उस ज़माने की बड़ी, वो 2 बुक्स होती थी, अभी मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, तो वो 2 बुक्स पढ़ी थी उन्होंने बस, उनके पास तो कोई डिग्री नहीं थी। अल्लामा इकबाल के पास क्या कोई डिग्री थी, उर्दू की कोई डिग्री नहीं थी, वो लॉयर वॉयर थे, कुछ दूसरे काम करते थे, उनके पास शायद LLB वगैरह उन्होंने कुछ किया था, लेकिन उर्दू की कोई डिग्री नहीं थी। लेकिन आज आप उर्दू का पेपर देते हैं ना जब, तो उनको स्टडी किए बगैर आपको डिग्री नहीं मिलती। तो ये वाला लेवल होना चाहिए, मतलब अब जैसे जॉन पप्पा का मैं जिक्र कर रहा था, तो जॉन पप्पा ने पता नहीं, हो सकता है, मुझे नहीं पता उसने कोई डिग्री की है डिज़ाइनर की या नहीं की, लेकिन मतलब जॉन पप्पा से कहीं अगर वो जाएगा ना तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो उससे ये पूछे कि हाँ यार आपके पास डिग्री कौन सी है, किसी की हिम्मत नहीं होगी ये बात करने की।
तो ऐसा आप कुछ करें ना कि आपके चेहरे पे लिखा हो कि आप डेवलपर हैं, आपके चेहरे पे लिखा हो, ठीक है, आपकी ज़रूरत पड़े लोगों को। वेल, तो ये हमने थोड़ी सी इधर उधर की बातें कर ली। डॉकराइज ऐप आपको दिखा दी मैंने कि कैसी होती है। अच्छा, आज क्या किया जाए? आज हम एक काम करते हैं,